हाँ देखियो, इस क्वेश्चन हम लोग एक्सपैंड किए थे और एक्सपेंसेस के बाद हमारा माइनस कॉस पाई एक्स माइनस साइन स्क्वायर एक्स आया था, इसको जीरो से पाई बाई टू एफ एक्स डीएक्स करेंगे तो वालिस थ्योरम लगेगा और वालिस थ्योरम से डायरेक्टली हमारा वैल्यू तक आ जाएंगे। डिस्कशन हम लोग किस टाइम पे किए थे, सुबह में कर लिए थे डिस्कशन। यस सर। सुबह में कितने लोग, अभी लगभग कितना लोग है? 16। तो सुबह में भी तो 12 उधर लोग आ ही गए थे। क्लास लगता है बहुत कम लोग कर रहे हैं। यस सर। जानकारी नहीं होगा शायद। ग्रुप में तो है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फाइंड इंटीग्रेशन फ्रॉम माइनस पाई बाई टू से प्लस पाई बाई टू एफ एक्स डी एक्स इफ एफ एक्स बराबर डिटरमिनेंट है जिसमें सभी जगह एक्स का वेरिएबल फैला हुआ है, तो इस क्वेश्चन का वैल्यू हमें निकालना है। तो अगेन यहाँ भी हमें पूरा इंटीग्रेशन और फंक्शन का नियम लगाना पड़ेगा। फर्स्ट रो में तीनों एलिमेंट इवेन हैं, तो हम कह सकते हैं कि पहला रो इवेन है, फंक्शन है, सारे इवेन फंक्शंस कहते हैं। x की जगह माइनस x रखने से अगर फंक्शन में कोई बदलाव ना हो तो वो फंक्शन मेरा इवेन फंक्शन बनता है। तो यहाँ पर ये इवेन फंक्शन होगा, ये भी इवेन फंक्शन होगा, sec माइनस थीटा sec थीटा होता है, ये भी इवेन फंक्शन है। मॉड साइन x इवेन फंक्शन हो गया, e का पावर मॉड x इवेन फंक्शन है, टू इवेन फंक्शन है। अब देखो ऑड फंक्शन, x की जगह माइनस x रखने से अगर फंक्शन का वैल्यू माइनस ऑफ एफ एक्स आ जाए तो उसे ऑड फंक्शन कहते हैं। तो टेन माइनस थीटा माइनस टेन थीटा है, ये माइनस एक्स क्यूब बनेगा, ये माइनस साइन एक्स बनेगा, तो ये तीनों ऑड फंक्शन है और ये तीनों इवेन फंक्शंस है। तो पहला इवेन, दूसरा इवेन और तीसरा ऑड, चूंकि ऑड रो एक ही है, ऑड फंक्शन वाला एक ही रो है, इसलिए एक बार माइनस साइन बाहर आएगा। तो ओवरऑल ये डिटरमिनेंट का वैल्यू जो है वो ऑड फंक्शन देगा। तो जैसे ही हम ये क्रैक कर लेंगे कि ये ऑड फंक्शन है, वैसे ही माइनस ए से ए में फंक्शन अगर ऑड रहे तो उस इंटीग्रेशन का वैल्यू जीरो होता है, उस प्रॉपर्टी के हिसाब से इसका वैल्यू जीरो बन जाएगा। तो तुम देख रहे होगे कि यहाँ पर इंटीग्रेशन के तीन क्वेश्चन हुए, लेकिन तीनों में ही हमें फुल इंटीग्रेशन का जरूरत पड़ रहा है और वो नॉलेज अभी हम लोग के पास नहीं है। लेकिन हाँ, कंसेप्ट तो किसी भी क्वेश्चन में हम लोग लगा सकते हैं। तो यहाँ पर हम लोग तीन क्वेश्चन से जो कंसेप्ट सीखे हैं उसके बेसिस पे अगर इंटीग्रेशन का डिटरमिनेंट में क्वेश्चन दिया तो हम लोग बना सकते हैं। ठीक है, अब हम लोग आगे बढ़ते हैं थ्योरी में। सिंगुलर मैट्रिक्स क्या है? स्क्वायर मैट्रिक्स को सिंगुलर मैट्रिक्स कहेंगे अगर उसका डिटरमिनेंट जीरो होगा, और अगर ये डिटरमिनेंट जीरो नहीं होगा तो उसे हम लोग नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स कहेंगे। अगर डिटरमिनेंट जीरो नहीं है तो उसे हम लोग नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स कहेंगे।
ठीक है। अब लोग थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं, हमारा अगला है कोफैक्टर मैट्रिक्स। कोफैक्टर मैट्रिक्स नाम से क्या लगता है, यहां पर कोफैक्टर का इस्तेमाल किया जाएगा। तो देखते हैं, लेट कैपिटल ए बराबर ए आई जे एन बी ए स्क्वायर मैट्रिक्स द मैट्रिक्स ऑब्टेंड बाय रिप्लेसिंग ईच एलिमेंट ऑफ ए बाय कोरस्पॉन्डिंग कोफैक्टर इज कॉल्ड एज कोफैक्टर मैट्रिक्स ऑफ ए डिनोटेड एज कोफैक्टर ऑफ ए। तो ये कह रहा है कि अगर प्रत्येक एलिमेंट की जगह पे उसका कोरस्पॉन्डिंग कोफैक्टर अगर हम पुट कर दे तो आने वाला जो मैट्रिक्स होगा उसे हम कोफैक्टर मैट्रिक्स कहेंगे, ठीक है। और एडजॉइंट एक खास टर्म हमारा मैट्रिक्स का है, काफी इंपॉर्टेंट है, ये इसी कोफैक्टर मैट्रिक्स से रिलेटेड है। कोफैक्टर मैट्रिक्स का जब हम ट्रांसपोज लेते हैं तो मेरे को एडजॉइंट आता है, और एडजॉइंट को एडीजे ऑफ ए लिखते हैं। एक एग्जांपल करते हैं हम लोग, एक मैट्रिक्स है पी क्यू आर एस, तो इसका कोफैक्टर मैट्रिक्स क्या होगा, पी का कोफैक्टर एस होगा, क्यू का कोफैक्टर माइनस आर, आर का कोफैक्टर माइनस क्यू, और एस का कोफैक्टर पी होगा। तो ये हमारा कोफैक्टर मैट्रिक्स बन गया, और अब हम इसको ट्रांसपोज ले रहे हैं। तो ट्रांसपोज में फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम बना, सेकंड रो सेकंड कॉलम बना, तो मैट्रिक्स ए का एडजॉइंट अगर हम गौर से देखें तो डायगोनल एलिमेंट एक्सचेंज किया है, और सेकेंडरी डायगोनल का एलिमेंट अपनी पोजीशन में है, बस इसका साइन चेंज कर गया है। तो ये अगर दो ऑर्डर का स्क्वायर मैट्रिक्स है, तो एडजॉइंट हम लोग पल भर में निकाल सकते हैं। लेकिन इसे हम नियम नहीं बनाएंगे, थर्ड ऑर्डर में ये काम नहीं करेगा, तो वहां पर हमें फिर से को फैक्टर निकालने होंगे। अब हम लोग थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं, कुछ प्रॉपर्टीज करते हैं। एडजॉइंट ऑफ ए स्केलर मैट्रिक्स इज ए स्केलर मैट्रिक्स, डायगोनल का एडजॉइंट डायगोनल होगा, ट्रायंगुलर का एडजॉइंट ट्रायंगुलर होगा। तो ये तीनों लगभग एक ही जैसे हैं कि तीन एलिमेंट लगातार जीरो है इसके पास, ट्रायंगुलर डायगोनल अस्केलर, तीनों का फोटो मन में याद करो, तीनों में अपर या लोअर तुम्हारा तीन एलिमेंट जीरो था थर्ड ऑर्डर्स में, उनका कोफैक्टर्स निकाल के देखना, तुम्हें खास बदलाव पैटर्न में नहीं नजर आएगा। देखो वैल्यू बदल जाएंगे लेकिन पैटर्न नहीं बदलेगा, इसलिए कह रहा है कि अस्केलर मैट्रिक्स का एडजॉइंट अस्केलर आएगा, डायगोनल का एडजॉइंट डायगोनल ही आएगा, ट्रायंगुलर का एडजॉइंट ट्रायंगुलर आएगा, ठीक है। तो ये तो शाम में करके देख लियो, ये हो जाएगा तुमसे आसानी से। अब हम लोग इसका एक एग्जांपल करते हैं, फाइंड एडजॉइंट ऑफ द मैट्रिक्स कैपिटल ए बराबर। हमने जो अभी एग्जांपल लिया था वो दो ऑर्डर के थे, और इसलिए अब हम तीन ऑर्डर का एडजॉइंट निकालेंगे। हम दो एग्जांपल कर रहे हैं तो काफी हो जाएगा। पहला एग्जांपल 152206347, तो इसका सबसे पहले हम लोग कोफैक्टर निकालेंगे। 1 का कोफैक्टर 0-24, 5 का कोफैक्टर 14-18 का माइनस, 2 का कोफैक्टर 8-0, इस 2 का कोफैक्टर 35
माइनस आठ का माइनस जीरो का कोफैक्टर, सात माइनस छ इस छ का कोफैक्टर, चार माइनस पंद्रह का माइनस इसका कोफैक्टर, तीस माइनस जीरो इसका कोफैक्टर, छ माइनस चार का को माइनस इसका कोफैक्टर, जीरो माइनस दस, जीरो माइनस दस। और इसको ट्रांसपोज करेंगे, मतलब पहला रो पहला कॉलम लिखेंगे, दूसरा रो दूसरे कॉलम में, तीसरा रो तीसरे कॉलम में। तो क्या ये काफी टफ है एडजॉइंट? मेरे हिसाब से इतना भी टफ नहीं है, इसे निकाल सकते हैं। बताओ क्या निकाला जा सकता है? यस सर। तो तुम लोग ये सेकंड मैट्रिक्स का को फैक्टर निकाल के बताओ तो कितना आता है तुम लोग को, दो मिनट के अंदर करके बताओ। 102254303 इसका को एडजॉइंट निकालो। किसी को आया? यस सर। बताओ कितना है? जीरो माइनस दस, सिक्स माइनस थ्री जीरो, माइनस फिफ्टीन जीरो फाइव, क्या ये आया है किसी को? yes, तो आगे बढ़े, अपना नेक्स्ट थियोरी है एक क्वेश्चन। विच ऑफ फॉलोइंग स्टेटमेंट, ठीक है सेकंड वाला को बता दे। Yes, देखो 102254303, वन का को फैक्टर, पंद्रह माइनस जीरो लिख दिए, इस जीरो का को फैक्टर निकालो, छ माइनस बारह, छ माइनस बारह, और ये माइनर है जबकि यहाँ का को फैक्टर माइनस में होगा, इसका को फैक्टर जीरो माइनस पंद्रह, इस एलिमेंट का कोफैक्टर जीरो माइनस जीरो का माइनस, इस फाइव का कोफैक्टर तीन माइनस छ, तीन माइनस छ, ठीक है। इस फोर का कोफैक्टर देखो जीरो माइनस जीरो का माइनस, इस तीन का कोफैक्टर जीरो माइनस दस, इस जीरो का कोफैक्टर चार माइनस चार का माइनस, इस तीन का कोफैक्टर पांच माइनस जीरो, इस पूरे का ट्रांसपोज खाली कर देना। अब सर ब्रैकेट के पहले माइनस लग रहा है मेरे से। देखो हमने राइट माइनस लेफ्ट जो किया था वो मेरा माइनर था, वो माइनर था, और माइनर में हम लोग मल्टी
मल्टीप्लाई किए थे माइनस वन का पावर आई प्लस जे से। यस सर। ए माइनस वन का पावर आई प्लस जे। यस सर। प्राइमरी डायगोनल और सेकेंडरी डायगोनल, प्राइमरी डायगोनल और सेकेंडरी डायगोनल में प्लस रहेगा ऐसे। यस सर। प्लस 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 प्लस, और जो बीच में छूट गए, चारों छूट गए ना, वो चारों yes, माइनस में जाएंगे। माइनस yes, 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 sir. अब हम लोग एक क्वेश्चन करते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट, कौन सा स्टेटमेंट सही है। इफ ए इज स्क्वायर मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर थ्री, देन द वैल्यू ऑफ डिटरमिनेंट ए माइनस 80 होल का पावर 2021 इज इक्वल टू जीरो। तो ए माइनस ए ट्रांसपोज ये कहीं पर आया है पहले, ए माइनस ए ट्रांसपोज हमेशा स्क्यू सिमेट्रिक होता है, ए माइनस ए ट्रांसपोज हमेशा स्क्यू सिमेट्रिक होता है। और स्क्यू सिमेट्रिक क्या होता है, जब इसको ट्रांसपोज लोगे तो माइनस ऑफ यही मैट्रिक्स दोबारा आ जाएगा। तो हम लोग जब इसका डिटरमिनेंट लेंगे तो पावर अंदर बाहर होता है, तो 2011 पावर को बाहर कर लेंगे। डिटरमिनेंट ट्रांसपोज का भी खुद ही होता है, सिंपल का जो डिटरमिनेंट है वही ट्रांसपोज का डिटरमिनेंट होता है। तो हम इसको ट्रांसपोज करेंगे, तो ए ट्रांसपोज और ए डबल ट्रांसपोज, डबल ट्रांसपोज सिंपल होता है, ए बन गया। अब यहां से माइनस कॉमन लेंगे तो a माइनस 80 हो गया, ये बिल्कुल a माइनस 80 पहले क्वेश्चन की तरह दिखाई दे रहा है। तो माइनस साइन डिटरमिनेंट से जब बाहर हम लोग निकालते हैं तो उसका पावर ऑर्डर रहता है, तो ये डिटरमिनेंट थर्ड ऑर्डर का है। तो माइनस साइन बाहर निकालेंगे तो माइनस वन का पावर 3 होगा, माइनस वन का पावर 3 होगा उसमें, और 3 का पावर 3 इनटू ऑड, ये एक ऑड नंबर है इसलिए नेट माइनस में रह जाएगा। तो x बराबर माइनस x रहे तो इस साइड में लाके 2x बराबर 0, तो x बराबर 0 होता है। तो इस हिसाब से हमारा ये वाला बिल्कुल करेक्ट है, तो पहला ऑप्शन इसका करेक्ट है। ठीक है, इसका हम लोग सेकंड ऑप्शन करेंगे। देखो सेकंड ऑप्शन क्या कहता है, इफ ए इज स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर 3, देन मैट्रिक्स ए का पावर 4 इज सिमेट्रिक। सिमेट्रिक और स्क्यू सिमेट्रिक चेक करने के लिए क्या करते थे हम लोग, ट्रांसपोज लेते थे पहले। तो ए 4 का हम ट्रांसपोज लेंगे, ट्रांसपोज अंदर बाहर होता है, ट्रांसपोज अंदर बाहर होता है, तो ए ट्रांसपोज का पावर 4। अब ये स्क्यू सिमेट्रिक है तो ए ट्रांसपोज को हम क्या लिखेंगे, माइनस ए और माइनस का पावर 4 क्या होगा, प्लस ए 4। तो जहां से स्टार्ट किए थे वही आ गया, इसका मतलब ये सिमेट्री है, तो ये सही होगा। क्लियर है, नेक्स्ट। ए बराबर एक मैट्रिक्स दिया हुआ है एंड ए इंटू 80 बराबर आई, देन एक्स प्लस वाई इज इक्वल टू माइनस 3। ये ऑप्शन है उस क्वेश्चन का, a इंटू 80 बराबर आई किस मैट्रिसेज का कंडीशन है, ऑर्थोगोनल का। तो हम क्या करेंगे, हम a को नहीं निकालेंगे, हम 3a को ही यहाँ पे पुट करेंगे, तो 3a इंटू 3a ट्रांसपोज
बराबर कितना होना चाहिए, 3 इंटू 3 9 आई, तो हम 3a इंटू 3a ट्रांसपोज बराबर 9 आई करेंगे, 3a यही मैट्रिसेस लिखेंगे, 3a ट्रांसपोज इस पूरे को ट्रांसपोज करके लिखेंगे और 9 इंटू आइडेंटिटी मैट्रिसेस, 9 इंटू आइडेंटिटी मैट्रिक्स। अब इनका मल्टीप्लाई करना है और इससे इक्वेट करना है, तो मल्टीप्लाई करेंगे डॉट प्रोडक्ट से और इक्वेट करेंगे तो मेरे पास x प्लस टू आई प्लस फोर, एक्स प्लस टू आई प्लस फोर बराबर जीरो आया एक कंडीशन, दूसरा है 2x माइनस टू आई प्लस टू बराबर जीरो, दो इक्वेशन दो अननोन, तो इनको हम सॉल्व करेंगे तो x और y दोनों हमारे मिल गए, तो इनका समेशन हमने माइनस तीन चेक किया, ये मेरे को सही आया है। ठीक है, अब हम लोग इसका चौथा ऑप्शन चेक करेंगे, इसका फोर्थ ऑप्शन, इफ अल्फा बीटा गामा आर द रूट्स ऑफ द क्यूबिक देन द वैल्यू ऑफ द डिटर्मिनेंट इक्वल टू पी क्यू, तो ये क्यूबिक इक्वेशन से यहां से सम ऑफ द रूट, प्रोडक्ट ऑफ द रूट, सम ऑफ प्रोडक्ट ऑफ टू रूट्स, ये तीनों का वैल्यू निकल जाएगा, ये डिटर्मिनेंट सर्कुलेंट डिटर्मिनेंट है, अल्फा बीटा गामा अल्फा बीटा, तो इस डिटर्मिनेंट का वैल्यू क्या होगा, माइनस क्यू प्लस गामा क्यू माइनस अल्फा बीटा गामा, और ये फैक्टराइज होगा, तो इसको हम फैक्टराइज करेंगे, अब अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा का वैल्यू यहां से माइनस पी पुट करेंगे, अल्फा बीटा प्लस बीटा गामा प्लस गामा अल्फा का वैल्यू यहां से जीरो पुट करेंगे, लेकिन अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर प्लस गामा स्क्वायर का वैल्यू हमें निकालना होगा, तो उसके लिए हम इसको होल स्क्वायर करेंगे, अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा का होल स्क्वायर करेंगे और यहाँ पर वैल्यू करेंगे तो स्क्वायर का समेशन हमें मिल जाएगा, ये हमें पी स्क्वायर आया है, इसको हम यहाँ पर जब पुट करेंगे तो हमारा कैलकुलेशन शो करता है ये पी क्यू आया है, तो ये करेक्ट हो गया। तो ये एक छोटा सा क्वेश्चन है जो मल्टीपल च्वाइस नेचर का है, जिसमें हमें प्रत्येक ऑप्शन को चेक करने के लिए कुछ दो चार लाइन लिखने मस्ट थे, और ऐसा इसलिए यहाँ पर हम क्वेश्चन अराइज कर रहे हैं क्योंकि इसी नेचर का क्वेश्चन जेई एडवांस में मल्टीपल च्वाइस में होता है, वहां हर ऑप्शन को क्रैक करने के लिए चेक करने के लिए तुम्हें काम करना होगा, बिना काम किए तुम जेई एडवांस का मल्टीपल च्वाइस नहीं बना सकते, इसी कारण से कई लोगों के मार्क्स कम रहते हैं अगर उनका स्पीड अच्छा नहीं रह पाया तो नॉलेज एक अलग चीज है बाबू और तुम्हें स्पीड जनरेशन एक अलग चीज है, तो नॉलेज जिस चैप्टर में हो जाए उस चैप्टर को कई बार करना ताकि उस चैप्टर में स्पीड भी आ जाए, क्योंकि जब भी इस नेचर का क्वेश्चन आएगा जहां एक क्वेश्चन को बनाने के लिए चार ऑप्शन है और चारों ऑप्शन को तुम्हें चेक करना जरूरी है और कोई भी ऑप्शन बिना कैलकुलेशन के नहीं हो रहा, तो फिर नॉलेज के साथ साथ स्पीड भी मायने रखेगा, एक्यूरेसी तो चाहिए ही चाहिए। अब हम लोग कुछ एडजॉइंट के प्रॉपर्टीज करेंगे, देखो प्रॉपर्टीज ऑफ एडजॉइंट, पहला और सबसे खास प्रॉपर्टीज है ए इंटू एडजॉइंट ए बराबर एडजॉइंट ए इंटू ए बराबर मॉड ए इंटू आई एन, दूसरा है अगर ए नॉन सिंगुलर मैट्रिसेज है ऑर्डर एन का तो मॉड ऑफ एडजॉइंट ए बराबर मॉड ए का पावर एन माइनस वन, ये तुम्हें ध्यान होगा डेल सी बराबर डेल स्क्वायर हमने किया था डिटर्मिनेंट में,
थर्ड ऑर्डर के लिए और एन ऑर्डर के लिए थे डेल सी बराबर डेल का पावर एन माइनस वन, ये उसी से अफेक्टेड है। एडजॉइंट ए बी को अगर हम अलग अलग ब्रेक करेंगे तो एडजॉइंट बी इंटू एडजॉइंट ए होगा, कारण एडजॉइंट को निकालते समय ट्रांसपोज का इस्तेमाल हो गया और ट्रांसपोज हमारा ऑर्डर चेंज कर देता है। एम बाई एन का मैट्रिसेज अगर हो तो ट्रांसपोज करने पे वो एन बाई एम हो जाता है, इसलिए यहाँ पर ऑर्डर चेंज हो जाएगा। कोई मैट्रिसेज अगर सिमेट्रिक है तो उसका एडजॉइंट भी सिमेट्रिक होगा, ये इस प्रॉपर्टी से अफेक्टेड है। एडजॉइंट ऑफ ए ट्रांसपोज बराबर एडजॉइंट ए का होल ट्रांसपोज। ठीक है, एडजॉइंट ऑफ ए ट्रांसपोज इज इक्वल टू एडजॉइंट ए का होल ट्रांसपोज। जब तुम इसका प्रॉपर्टी को ये प्रॉपर्टी यूज करोगे तो तुम्हारा ये आसानी से प्रूफ हो जाएगा कि अगर ए सिमेट्रिक है तो उसका एडजॉइंट भी सिमेट्रिक बनेगा। नेक्स्ट है, अगर ए सिंगुलर है तो एडजॉइंट भी सिंगुलर होगा। देखो अगर मॉड ए तुम्हारा जीरो हो गया तो मॉड ऑफ एडजॉइंट ए भी जीरो होगा, तो ये भी प्रूफ हो गया। लैम्डा ए का स्केलर है, लैम्डा को अगर एडजॉइंट के बाहर निकालोगे तो लैम्डा का पावर एन माइनस वन होगा। सिंपल मैट्रिसेज में प्रोडक्ट के अंदर से जब हम डिटर्मिनेंट में निकालते थे, डिटर्मिनेंट में लैम्डा ए मॉड ऑफ लैम्डा ए क्या था, लैम्डा का पावर एन इंटू मॉड ए होता था, तो वहां प्रत्येक रो से लैम्डा निकाला गया इसलिए लैम्डा का पावर एन है। यहाँ एडजॉइंट में क्या होता है, कोफैक्टर से बनता है ये, और कोफैक्टर निकालते समय जैसे ही अल्फा का कोफैक्टर निकालोगे तो ये अभी डिटर्मिनेंट तीन ऑर्डर का है, लेकिन जब इसका तुम माइनस निकालोगे तो वो दो ऑर्डर का डिटर्मिनेंट बनता है। मतलब किसी भी एलिमेंट का कोफैक्टर एन माइनस वन ऑर्डर का होता है, इसीलिए जब तुम लैम्डा को बाहर निकालोगे तो तुम्हारा लैम्डा का पावर एन माइनस वन ही बाहर आएगा। नेक्स्ट है, एडजॉइंट ऑफ एडजॉइंट ए इज इक्वल टू मॉड ए का पावर एन माइनस टू इंटू ए। इसका डिटर्मिनेंट लेंगे तो मॉड ए का पावर एन माइनस वन का होल स्क्वायर, और अगर ये एम टाइम रहेगा तो एन माइनस वन का पावर एम हो जाएगा। अब मेरा एक छोटा सा सवाल है, सोच के जवाब देना। एडजॉइंट ऑफ एडजॉइंट ए ये हुआ, क्या तुम्हें इसका प्रूफ चाहिए या प्रॉपर्टीज मान के आगे बढ़ जाए? कर दीजिए सर। कर दे। यस सर। यस सर। यस सर। तो है नहीं, नया पेज पे कर देते हैं। यस सर। एडजॉइंट ऑफ एडजॉइंट ए इज इक्वल टू मॉड ए का पावर एन माइनस टू इंटू ए, हमें इसका प्रूफ करना है। तो ए इंटू एडजॉइंट ए ये हमारा मॉड ए इंटू आई होता है। यहां तक में कोई दिक्कत? नो सर। अब हम लोग ए की जगह एडजॉइंट ए पुट कर रहे हैं,
replacing A with adjoint A. ऐसा जब हम करेंगे तो adjoint A और दिस ये बनेगा adjoint of A. मॉड ऑफ adjoint A into I. हम यहां पर A से मल्टीप्लाई कर रहे हैं. मल्टीप्लाई विद A फ्रॉम लेफ्ट. बाईं तरफ से A से मल्टीप्लाई करेंगे तो A इंटू adjoint A और ये है adjoint of A. मॉड ऑफ adjoint A था मॉड A का पावर n माइनस 1 इंटू आई. A इंटू adjoint A क्या था? मॉड A इंटू, अच्छा यहां A से गुना किए तो वो तो दिए ही नहीं, A इंटू, हाँ ये था मॉड A इंटू आई और ये बना है adjoint of A. मॉड A का पावर n माइनस 1 इंटू A. यहां मॉड A है और यहां मॉड A का पावर n माइनस 1, तो मॉड A से जब डिवाइड करेंगे तो एक पावर कम हो जाएगा. adjoint of A इज इक्वल टू मॉड A का पावर n माइनस 2 इंटू A. तो ये दो ही नहीं, तुम्हारा तीन भी रह सकता है, चार भी रह सकता है, पांच भी रह सकता है. सभी को तुम्हें इसी तरह से एक एक स्टेप करते जाना है, एक एक स्टेप. तो ये दो वाला हुआ, ठीक है. इसका डिटरमिनेंट तो निकाल लोगे, उसमें तो दिक्कत नहीं होना चाहिए. ये वाला प्रॉपर्टीज करें, 9 वाला डिटरमिनेंट निकालना है. ये वाला तो निकाल लोगे ना डिटरमिनेंट. वीडियो ब्लर हो गया सर. वीडियो ब्लर हो गया? नो सर, क्लियर. सबका ब्लर है. नो सर, वीडियो ब्लर है. नो सर, क्लियर है. क्लियर है ना? तो मॉड ऑफ एडजॉइंट ऑफ एडजॉइंट ए, ये भी प्रूफ करना है या हो जाएगा? करना है. इसको हम डिटरमिनेंट लेंगे तो मॉड ऑफ एडजॉइंट ए मॉड ऑफ मॉड ए का पावर एन माइनस टू इंटू ए. यहां पर मैट्रिक्स ए है. अरे को एयरटेल के मैसेज आ गया था. देखो मॉड ऑफ मॉड ए का पावर एन माइनस टू इंटू ए. ए मेरा मैट्रिक्स है और ये मॉड ए है. इसका मतलब ये एक स्केलर की तरह से ट्रीट होगा. तो इस स्केलर को जब हम डिटरमिनेंट से बाहर निकालेंगे तो इसका पावर n हो जाएगा. n. और अब मॉड a का पावर सब मिलाकर देखो, ये मल्टीप्लाई होता है तो n स्क्वायर माइनस 2n और ये वाला प्लस 1 हो गया. तो तुम्हारे पास मॉड a का पावर n माइनस 1 का होल स्क्वायर हो गया, ठीक है. तो अगर बोर्ड एग्जाम्स में आ भी गया तो मैक्सिमम 2 एडजॉइंट का ही बोर्ड परीक्षा में आ सकता है, इससे ज्यादा बोर्ड एग्जाम में नहीं आ सकता. तो बाकी में तो तुम मेमोरी को यूज करके भी कर सकते हो. ठीक. तो अब हम लोग और आगे वाला काम करते हैं. 9 तक हम लोग कर लिए प्रॉपर्टीज, अब हम लोग आगे बढ़ते हैं. इसका 10 प्रॉपर्टीज है. एडजॉइंट में ए का पावर अंदर बाहर होता है, पावर अंदर बाहर होता है. ये प्रॉपर्टीज कहां से आया? देखो ये जो थर्ड प्रॉपर्टीज था, एडजॉइंट ए इंटू बी बराबर एडजॉइंट बी इंटू एडजॉइंट ए. तो ए और बी
दोनों अगर सेम हो जाएंगे तो यहाँ ए स्क्वायर कहलाया और यहाँ एडजॉइंट ए इंटू एडजॉइंट ए, तो एडजॉइंट ए का होल स्क्वायर बनेगा। तो अगर स्क्वायर में काम कर सकता है तो पावर एम में भी काम करेगा। नेक्स्ट, हम जैसा कि कह रहे थे कि दो का भी हो सकता है, ये देखो तीन एडजॉइंट है और इसका वैल्यू निकालना है, तो बताओ इसका भी प्रूफ देखोगे या ये एच डब्ल्यू रखोगे? ठीक है, इसको करके देख लियो। हम वो वाला जो अभी तुमको दिखाए हैं, ये वाला जो प्रूफ दिखाए थे, ये वाला भी हम तुम्हें भेज देंगे। अब देखो इस पे कुछ एग्जांपल्स करते हैं एडजॉइंट पे। लेट मैट्रिक्स कैपिटल ए बराबर एक्स वन वन वाई टू वन माइनस जेड थ्री टू, वेयर एक्स वाई जेड बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर्स। इफ चार डिटरमिनेंट ऑफ ए, चार एडजॉइंट ऑफ ए का डिटरमिनेंट इज इक्वल टू 2 का पावर 32 इंटू 3 का पावर 16, देन फाइंड नंबर ऑफ सच मैट्रिक्स। ऐसे मैट्रिक्स का संख्या हमें निकालना है। ठीक है, तो मैक्सिमम लोग डिटरमिनेंट मैट्रिसेज में ये सोच के वहां पे जाते हैं कि हमें जोड़ घटाओ गुणा भागा इनवर्स एडजॉइंट ये सब निकालने का क्वेश्चंस आएगा। ये सभी क्वेश्चंस आते हैं, लेकिन कई बार नंबर ऑफ मैट्रिसेज का क्वेश्चन आता है, तो हमें दोनों एंगल से अपने को प्रिपेयर करना होगा। तो ये चार कोठो एडजॉइंट है और बाद में डिटरमिनेंट लगाया हुआ है, तो ये क्या होगा? मॉड ए का पावर 3 माइनस 1 का होल पावर 4 होना चाहिए। ये चार तो एडजॉइंट है, देखो यहां पर m एडजॉइंट थे, m एडजॉइंट थे, तो मॉड ए का पावर n माइनस 1 का पावर m हो गया, और n क्या था? ऑर्डर था। तो इसका वैल्यू मॉड ए का पावर 3 माइनस 1 का होल पावर 4, ये 2 का पावर 4 कितना होता है? 16 होते हैं। तो 16 के हिसाब से इसको ब्रेक करोगे तो 2 स्क्वायर इंटू 3 होल का पावर 16, मतलब 12 का पावर 16 बना है। ठीक है, अब हमें मॉड ए का वैल्यू निकालना होगा। तो मॉड ए तो आसान है, इसको तुम इजिली क्रैक कर लेगो, डायरेक्टली तुम इसको एक्सपेंड करके वैल्यू निकाल लेना, तो वो तुम्हें x प्लस वाई प्लस जेड आ रहा है। तो यहाँ पर x, y, z सारे नेचुरल नंबर से, इसलिए यहाँ से x प्लस वाई प्लस जेड बराबर 12 निकालेंगे। माइनस 12 नहीं निकाल सकते क्योंकि तीनों के तीनों नेचुरल नंबर है। अब देखो यहां से अब हम लोग परमुटेशन एंड कॉम्बिनेशन में एंट्री कर रहे हैं। तो हमारा नेचुरल नंबर है तो एक्स वाई जेड तीनों वन या उससे ज्यादा होगा, जीरो कभी नहीं हो सकता। तो हम एक्स की जगह वन प्लस वाई वन, वाई की जगह वन प्लस वाई टू और जेड की जगह वन प्लस वाई थ्री लेंगे, तो वाई वन वाई टू वाई थ्री तीनों वेरिएबल ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो हो जाएगा। अब ये वन 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 जो थ्री है वो हमारा 12 में माइनस होगा, तो ये तीन बनेगा, तीन घटा देंगे तो 9 बनेगा। और इसका नॉन निगेटिव इंटीग्रल सॉल्यूशंस क्या था? 9 प्लस 3 माइनस 1 सी 3 माइनस 1 11 सी 2, दैट इज 55 हमारा आंसर बनेगा। ठीक है, हेलो, यस सर। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं, नेक्स्ट एग्जांपल। मैट्रिसेस दिया हुआ है तो इस पे तीन क्वेश्चंस है। मॉड ए डिटरमिनेंट इसका आसानी से निकाल लेंगे,
mod a into mod adjoint a, mod of adjoint b a, adjoint of adjoint a. ये तीन क्वेश्चन से तीनों प्रॉपर्टी से अफेक्टेड है. तो पहला क्वेश्चन बनाने से पहले हम लोग मॉड ए निकालेंगे. तो मॉड ए कितना होगा, इसका वैल्यू जब हम निकालते हैं तो मेरे को तो आता है. तो देखो मॉड ए इंटू मॉड एट ज्वाइंट ए, मॉड एट ज्वाइंट ए क्या होगा, मॉड ए का स्क्वायर होगा क्योंकि इसका ऑर्डर तीन है. तो तीन माइनस वन दो बनता है. तो मॉड ऑफ एट ज्वाइंट ए मॉड ए का स्क्वायर होगा. तो ये इक्वल टू मॉड ए का होल क्यूब. तो ये चार आया है तो ये 64 हो जाएगा. अब हम लोग सेकंड वाला करेंगे. सेकंड वाला में क्या है, थ्री ए के साथ थ्री मल्टीप्लाइड है जो कि एक स्केलर है. तो इस थ्री को जब हम बाहर निकालेंगे तो थ्री का पावर टू बनेगा या थ्री बनेगा, टू बनेगा. देखो प्रॉपर्टीज कहा गया, सेवेंथ प्रॉपर्टीज देखो, लैम्डा को जब हम एडजॉइंट के बाहर निकालते हैं, लैम्डा को जब हम एडजॉइंट के बाहर निकालते हैं तो लैम्डा का पावर एन माइनस वन है, लैम्डा का पावर एन माइनस वन है. तो यहाँ जब तीन है, ऑर्डर उधर तीन था तो ये तीन माइनस वन होगा. ठीक है, तो एडजॉइंट से तीन को बाहर निकालेंगे तो ये थ्री स्क्वायर हो गया. अब ये एक डिटर्मिनेंट है जिसमें नाइन हमारा स्केलर है. अब एडजॉइंट ए एक मैट्रिक्स है, एडजॉइंट ए मेरा एक मैट्रिक्स है. तो डिटर्मिनेंट से एक स्केलर को जब हम बाहर निकालते हैं तो उसका पावर, ध्यान दो, डिटर्मिनेंट के अंदर से एक स्केलर को बाहर निकालते हैं तो इसका पावर एन होता है या एन माइनस वन, इसका पावर एन होता है. तो ऑर्डर तीन था तो इसका पावर तीन होगा, तीन दुना छह हो गया पावर. और ये मॉड ऑफ एडजॉइंट ए है जिसका वैल्यू था मॉड ए स्क्वायर. अब हम वैल्यू इसका पुट कर देंगे. ठीक है, एडजॉइंट ऑफ एडजॉइंट ए, तो ये हमारा क्या होगा, अभी अभी प्रॉपर्टीज किए हैं, मॉड ए का पावर एन माइनस टू इंटू ए, ये चार है. ठीक है, अब देखो नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग कर रहे हैं. ए पर मैट्रिक्स ए बराबर एंड बी बराबर एट ज्वाइंट ए, देन फाइंड ए बी प्लस टू आई, ए बी प्लस टू आई. तो बी हमारा क्या है, एट ज्वाइंट ए है. तो एट ज्वाइंट ए यहाँ पे पुट करोगे तो ए इंटू एट ज्वाइंट ए आएगा. B की जगह एडजॉइंट A करेंगे तो A इंटू एडजॉइंट A हमारा मॉड A इंटू I आएगा. मॉड A, इस मैट्रिसेज का डिटर्मिनेंट आसानी से निकाल सकते हो. तो वो निकालने पे हमारा वैल्यूज 1 आया है, वो यहाँ पे पुट करेंगे तो I प्लस 2I मेरा 3I हो जाएगा. अब इस 3 को डिटर्मिनेंट से जब बाहर निकालेंगे तो इसका पावर N होगा, यहाँ ऑर्डर 3 है तो 3 क्यूब बाहर आएगा. और मॉड आई आइडेंटिटी मैट्रिसेज का डिटरमिनेंट का वैल्यू 1 होता है तो इसको 27 गुने 1 27 आएगा. एक और एग्जांपल है, इफ मैट्रिसेज बराबर एक्स वाई जेड 2 लैम्डा एट एक्स प्लस 4 वाई प्लस 3 जेड बराबर लैम्डा प्लस 28, देन फाइंड एडजॉइंट ए इनटू ए, देन फाइंड एडजॉइंट ए इनटू ए. तो इसे हम लोग
एडजॉइंट ए इंटू ए क्या था, मॉड ए इंटू आई था, एडजॉइंट ए इंटू ए क्या था, मॉड ए इंटू आई था, तो मॉड ए वैल्यू हमें निकालना पड़ेगा, तो मॉड ए निकालते हैं। अभी से फर्स्ट रो के अलोंग एक्सपेंड करते हैं और इसको मल्टीप्लाई करके यहां तक पहुंचा देते हैं। अब यहां पर देखो एक्स वाई जेड का वैल्यू 2 लैम्डा दिया है, 24 और 4 28 हो गए, इन तीनों से माइनस कॉमन लो तो 8x प्लस 4y प्लस 3z यहां पर दिया हुआ है, ये वैल्यू इसमें पुट करेंगे तो 28 28 कैंसिल हो जाएगा, 2 लैम्डा माइनस लैम्डा लैम्डा हो जाएगा। तो इस प्रकार से डिटरमिनेंट का वैल्यू लैम्डा है, तो यहां पर मॉड लैम्डा मॉड ए इंटू आई का वैल्यू लैम्डा इंटू आई हो जाएगा, हम लैम्डा इंटू आई भी लिख सकते हैं, लैम्डा इंटू आई 3 भी लिख सकते हैं, ये 3 आइडेंटिटी मैट्रिसेज का ऑर्डर शो करते रहेगा। ठीक है, और यहां तक तुम्हारा एडजॉइंट कंप्लीट हो गया है। अब कोई एक आध लोग बताते हैं कि टाइम कितना है, टाइम ज्यादा हो गया 40 मिनट सेवा हो गया, तो चल रहा है कि हम लोग को ब्लॉक कर दिया, तो चलाते हैं क्या, आगे बढ़े सर, 2-4 मिनट का ब्रेक लोगे, हम तो पानी पी लेते हैं। ठीक है, 50 मिनट का हो गया सर, एक बार ब्रेक।